जैसा कि आप सबको पता है कि हार्ट फेलियर का सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो हार्ट ट्रांसप्लांट है, और अब ये माना जाता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो व्यक्ति हैं उनका जो रूटीन है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एहतियात के तौर पर या कि बड़ी सारी मेडिसिन हैं उनको लेना पड़ता है जिससे कि हार्ट ट्रांसप्लांट लंबे समय तक चलता रहे। ये भी जरूरी होता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद में व्यक्तियों को अपने डॉक्टर के पास परामर्श के लिए रेगुलर जाना चाहिए, और उसके लिए एक प्रोटोकॉल फिक्स किया जाता है जो कि उस व्यक्ति को जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है उसको दिया जाता है। अब हमें कुछ मुद्दों पर एक से लेकर के आगे बढ़ना है। पहला मुद्दा यह है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद क्या व्यक्ति नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकता है? हाँ जी, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद में व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होता है। जो उसके लिमिटेशंस थे कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, उसकी सांस फूलती है, वो सब जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। सो ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया है तो निश्चित तौर पर आपका जो रूटीन है वो उस समय से जबकि आपका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था उससे बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ में ये भी जरूरी है कि हमें जो एहतियात बरतने हैं उसके बारे में आपको जानकारी दिया जाए। तो दूसरा हम जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको ये डिस्कस करेंगे कि क्या मेडिकेशंस हैं जो कि हार्ट ट्रांसप्लांट के व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। इम्यूनोसप्रेशंस एक ड्रग्स होती हैं जो कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स को दी जाती है। ये चीज़ें क्या होती हैं? ये इम्यूनोसप्रेशेंट वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको कम करती है। आप सब जानते हैं कि इम्यूनिटी वो चीज़ होती है जिसमें कि बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उससे ये इम्यूनिटी जो है फाइट करती है और वो इन्फेक्शन होने से रोकती है। तो अब चूंकि हम इम्यूनोसप्रेशन प्रिस्क्राइब करते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद, तो हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को जरूरी है कि अपने आप को सुरक्षित एटमॉस्फेयर में रखें जहां पर कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेशंस में है। इसके साथ में भी जो यदि कोई शरीर के अंदर कोई बीमारी है जिसका कि और उपचार करना है उसके लिए भी जरूरी है कि वो जैसे डेंटल रिस्ट्रक्शन है उसमें एक नॉर्मल व्यक्ति के कंपेरिजन में और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देना चाहिए, डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए और जो डॉक्टर कहें उसको मानना चाहिए। अब ये तो हो गया इम्यूनोसप्रेशन जो कि लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। ये क्यों लेना पड़ता है? जिससे कि हार्ट जो नया हार्ट उसको दिया गया है वो बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे। इसलिए ये बहुत ही अहम बात है कि व्यक्तियों को इम्यूनोसप्रेशन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है और लेना चाहिए। उसमें कोई भी भूल चूक नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति के लिए रामबाण है, उसी से व्यक्ति का जो नया हार्ट है वो चल रहा होता है। अब ये जो इम्यूनोसप्रेशन है इनसे और भी दिक्कतें होती है, एक इन्फेक्शन, दूसरे कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से कुछ ट्यूमर भी हो जाते हैं। वो ट्यूमर्स इसलिए जरूरी है कि कोई नई कोई स्वेलिंग्स आती है या कुछ चीजें आती हैं उसका तुरंत और तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए और उसको इलाज कराना चाहिए। एक चीज और है जो कि जो हार्ट नया है उस व्यक्ति पे लगता है और चूंकि वो इम्यूनोसप्रेशन ले रहा होता है तो वो जो हार्ट है उसकी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें भी धीरे धीरे करके तब्दीली आती है, उसको हम कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट एंजियोपैथी, कोरोनरी आर्टरी एंजियोपैथी। अब वो बेसिकली जो इम्यूनोसप्रेशन व्यक्ति ले रहा होता है उसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उनमें चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं और वो चेंजेज बड़े डिफ्यूज होते हैं, और ये माना गया है और ये देखा गया है कि वो जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो डिफ्यूज लीजेंस आते हैं ना तो उनका बाईपास सर्जरी की जा सकती और ना उनकी
एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, क्योंकि वो इस तरह से डिफ्यूज होती है। जैसे हमें ये पता है कि जो कोरोनरी आर्टरी जो डायबिटिक पेशेंट में डिफ्यूज होती है, लेकिन जो ट्रांसप्लांट के बाद जो कोरोनरी आर्टरी एंजियोपैथी होती है वो उससे भी ज़्यादा डिफ्यूज होती है, और जिसका कोई ना तो सर्जिकल ना इंटरवेंशनल उपचार अवेलेबल है। इसलिए जो डॉक्टर्स जो मेडिसिन उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं वो स्टेटिंस हैं या और भी कोई जो चीज़ें हैं उनको नियमित रूप से लेना चाहिए, और जो डॉक्टर्स कहते हैं उन नियमों को पालन करना चाहिए। अब ये निश्चित है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो हार्ट आता है उसको लंबे समय तक चलना चाहिए, तभी तो उसका उस चीज हार्ट ट्रांसप्लांट का मजा है। वो सब कितने लंबे समय तक चलता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो आपके इंटीरियर एनवायरनमेंट पर, मिली इंटीरियर पर, और दूसरा किस तरह से आप अपनी दिनचर्या को डिसिप्लिन तौर पर लीड कर रहे हैं। सो जरूरी है कि जो भी परामर्श के बाद आपको नुस्खे दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो चीज़ें कही जाती हैं, फिजियोथेरेपी कही जाती है, और भी जो परामर्श हैं उन सबको पालन करते हुए अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना चाहिए। आज की तारीख पर इतने सारे नए आविष्कार हुए हैं, नए नए इम्यूनोसप्रेशन आ रहे हैं, उन सब की वजह से लॉन्गेविटी हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद बहुत लंबी है, 25 साल का रिजल्ट देखा गया है। तो ये जरूरी है कि आप उससे काफ़ी समय तक हार्ट फेलियर से निजात पा सकते हैं, बशर्ते कि आप उन सब नियमों को पालन करें। थैंक यू।